जालना स्थित राजलक्ष्मी कपड़ा दुकान में 1,30,000 रुपए की चोरी का मामला दर्ज किया गया है, जहां पुलिस ने संबंधित आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन के एरिया में राजलक्ष्मी टेक्सटाइल का एक दुकान है। इस दुकान में 18 तारीख को चोरी हो गई थी। इसके बारे में उसके मालिक श्री सुमित धनानी ने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट किया था। उसके बाद में तहकीकात के लिए हमारा स्टाफ वहाँ पे जब पहुँचा, तब पूरे स्टाफ में से एक जो उनका स्टाफ है जो 20 साल से उधर काम कर रहा था, तो उसका नाम है अशोक पुंडलिकराव लोलगे, ये वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो उसके बारे में हमने और तहकीकात करने के बाद में समझ में आ गया कि वो घर पे भी नहीं है, तो उसके ऊपर हमारा पूरा डाउट हो गया। उसके बाद में CDR और CCTV के माध्यम से हमने उसका पूरा लोकेशन निकालने के बाद में वो परभणी में पहुंचा था, तो उसको हमने परभणी से पकड़ के जालना में लेके आए। उसके बाद तहकीकात करने के बाद में उसने ये 1.5 लाख रुपए चुराए, ये गुनाह कबूल किया। उसको कोर्ट में हाजिर करके उसका 1 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया। उसमें उसने जो चोरी की हुई जितने अमाउंट है 100% उसने हमको पंचों के मार्फत से हमको दे दिया है। ये जो आरोपी है ये 18 तारीख को रात को ही दुकान में दुकान का जो एक ऊपर का पोर्शन है उसमें छिप गया था, और रात में उसने चोरी किया और सुबह दुकान खुलते ही विमलम से वहाँ से निकल कर वो गायब हो गया था। और जो दीपिका स्टाफ है उन्होंने पूरे 5 घंटों में ये चोरी का मामला सुलझ लिया है।